أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آسف 15 دن بيلي أهم موضوع سے متعلق قد رأينا بعض الأمور मौजू ये था कि इस्लाम की नशर वशात और लोगों के क़बूल इस्लाम का एक अज़ीम सबब इस्लाम पर मुसलमानों का सब्र सबात इस मौजू से मुतालिक मैंने बहुत ही अहम बातें उस नशे में मैंने रखी थी उसमें मौजू का तारुफ़ भी था उसमें आप आलही सलातम से मतलब कुछ अहदीस थी आयात थी जिनमें बताया गया था कि दुनिया भर में जो इस्लाम फैला है और जो लोग इस्लाम कबूल किए हैं इस्लाम कबूल करने के जो मतद इसब हैं उनमें एक अजीम सबब अहले इस्लाम का यानी ब्र वाला मुजाहरा इस्लाम पर सबात क़दमी का मुजाहरा, मुसलमानों की इस्लाम पर सबात क़दमी भी एक अजीम सबब रहा है जिससे लोगों ने इस्लाम कबूल किया इस्लाम दूर तक फैला आज उसी मौजू का दूसरा हिस्सा आपके सामने रखूँगा दूसरा और आखिरी हिस्सा इन अल्लाह के रसूल आसोलम का अल्लाह के दीन पर सबात ख़दमी, आप तो अल्लाह के नबी हैं अल्लाह के रसूल की पूरी सीरत हम पढ़ते हैं तो ये पल पल ये चीज़ नज़र आती है इसीलिए लिए पाँचवीं सदी हिजरी के एक अज़ीम आलम दीन हाफिज़ इब्न हज़म अल रह चार सौ अट्ठावन हिजरी सन वफात है और मतदद किताबों के मुसनफ़ हैं आप उनकी एक किताब है अलफिसल अहवाई व निहल उसमें पिछली अकवाम और दीगर मजाहिब से मुतक़ गुफ्तु करते हुए अल्लाह के रसूल आल्लाम जो दीन लेकर के आए उसके बारे में बताते हुए एक बात उन्होंने कही जो बड़ी अहम बात है आपने कहा अल्लाह के रसूल के बेशुमारोजिज़ात हैं अगर अल्लाह के रसूल का कोई मजिजा नहीं होता सिर्फ़ अल्लाह के रसूल की सीरत ही बाकी रहती दुनिया में और कोई मजिजा आपका ना भी होता तो आपकी सदाकत के लिए आपकी सीरत काफ़ी है कहा कि लऊलम तकुन लहू मुजा लम तकुन लहू मज़ज़ा तुन गैर वीरत ही सल्हसा अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ सीरत ही अल्लाह ने बाकी रखी है और कोई मुजजा आपका नहीं है तब भी आपके आपकी सीरत आपकी नबूत आपकी सदाकत और आपकी अजीमब होने के लिए काफ़ी है अगर इसके इससे मुतिक दलाइलनबू जो मुजात हैं वो, वो उस कबील से देखा जाए तो फिर क्या बात होगी अल्लाह के रसूल सल सल्ला वम की मज़जात में से एक अजीम मुजजा ये भी है कि आप ने एक ऐसी कौम तैयार की ऐसी टीम तैयार की ऐसी आला मेयार की तरबियत की आपने सहाबा की अल्लाह सुबहान वत की तो़ीक़ उसकी 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 उसकी, उसकी इज्न से कि दुनिया भर के लिए वो जमात नमूना बन गई तो मैं एक वाक़ा सुनाता हूँ आज के दरस में इन कि मुसलमानों का सब्र सबात मुसलमानों की सबात ख़दमी कितनी मौसर होती है किसी के इस्लाम क़बूल करने के लिए एक वाक़ बस सुनाता हूं मैं आपको उसको फैला करके आप अलीसम के सहबा के जो वाकयात हैं मुतद वाकयात हैं सबा, सबात ख़दे से मुतल एक वाक़ मैं आपको बताता हूँ अहादीस की किताबों में अगर आप देखें सही बुखारी सही मुस्लिम में एक हदीस आती है जिसको हदीस उ हिरकल कहते हैं जैसे हदीस अजबैल कहते हैं हदीस अबाक़ा कहते हैं हदीस अ़़ार कहते हैं नजवा कहते हैं हदीस में कोई ख़ास किस्सा होता है उसकी तरफ वो हदीस मंसूब हो जाती है जैसे आयतों में आयतुल आयतुलकरसी आयतुल्दैन वगैरह अदीस में भी हदीतल बहुत मशहूर बहुत तवील ख़ुलासा क्या है उसका उसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ यानी उसका पस मंज़र आपको बताता हूँ बात ऐसी है कि आप आसलातम तकरीबन छः हिजरी को जब अल्लाह के रसल मदीने को गए छः हिजरी को आप आ सलासम उम्रा करने की गर्ज से सहाबा को लेकर के गए हम जानते हैं कि जो मक्का है उसके हदूद हैं बाहर का जो हिस्सा है उसको कहते हैं अलहिल और वो हदूद के अंदर आने के बाद वो जो मकाम है वो हरमत वाला मकाम है जिसे हदूद हरम कहते हैं उन हदूद में से एक हद है जो हदेबिया में आती है होदेबिया एक मकाम का नाम है वहाँ पर एक हद है अंदर आए कि वहाँ से हदुदहार में आदमी दाखिल हो जाता है जो जिद्दा के रूट पर है आज तो हदेबिया वहाँ जब पहुँचे अल्लाह के रसूल तो वहाँ रोक दिया गया आपको मुझे वो सब तफसील से नहीं बताना है सब जानते हैं मेरे मौजू से मुतल जो बात है मैं वही बताऊँगा आपको बहरहाल कुफार मक्का और अल्लाह के रसूल साम के दरमिया माहदा हुआ कई एक मवादात हुए एक सुलह हुई अल्लाह के रसूल वापस आ गए मदीने को इस बात को आप अपने अपने जहन में रखेगा आप जब अल्लाह के रसूल मदीने को आए आप जो अरब का जो जोग्राफिया जो जो है उसको आप सामने रखें या जो लोग मुशाहिदीन हैं या बाद में सुनेंगे वो इस दर्द को सुनते हुए सामने जोग्राफिया भी रखें जोग्राफिया अतबार से अरब अरब का जो यानी जोग्राफिया जो तस्वीर है वो अपने सामने रखें मैप मैप जो होता है आप देखिए जो मदीना है वो ऊपर का हिस्सा है मक्का नीचे का हिस्सा है मक्का जुनूब की तरफ आता है अरब में मदीने का जुनूब है आप अली अलीसम जब मक्के से मदीने को चले गए तो आपको गोया कि एक तरह से राहत थी कि पीठ पीछे से अभी कोई हमला नहीं होगा क्यों सुलह हो चुकी है माह हो चुका है अब अल्लाह के रसूल ने आगे की तरफ कदम बढ़ाए खैबर मदीने से भी आगे है ऊपर की तरफ शिमाल की तरफ क्योंकि पीछे से राहत मिल गई ना अब आगे बढ़े अब यहाँ पर गौर कीजिए आप जब खैबर की तरफ आगे बढ़े खैबर में यहूद रहा करते थे तो खैबर को जाने से पहले आप ने कई एक काम अंजाम दिए मसलन मदीना मदीने से ऊपर का जो हिस्सा है वो खैबर की तरफ आता है और जो दाएँ जानब है वो वो यमामा या, या आज के दौर में रियाज की तरफ निकलता है रास्ता नजद की तरफ रियाज की तरफ वहाँ पर बनो अनमार एक कबीला रहता था जो खाना बदोश किसी जगह ठिकाना नहीं था उनका जहाँ पानी वहाँ रह जाते लेकिन वो रह रहे कि मुसलमानों को तकलीफ दे रहे थे तो अल्लाह के रसूल वसल्लम ने साहबा के एक जमात को वहाँ भेजा कि आप उनके लड़ाई मत करें बस मुकाबला करते रहें सामना करते रहें उन्हें भगाते रहें ऐसा ना हो कि हम खैबर की तरफ जा रहे हैं तो ये अंदर दाखिल हो जाए मदीने में ये हमत अमली इख्तियार और खैबर की तरफ जब आप निकले तो अल्लाह के रसूल वसलम ने दुनिया भर के बादशाहों को खतूत भी लिखा आपने दुनिया भर के बादशाहों को तो दुनिया भर के बादशाहों को जब ख़त लिखा तो हिरकल जो एक सिर्फ़ बादशाह नहीं था एक बड़ी सल्तनत उसकी मिल्कियत में नहीं थी बल्कि दुनिया का एक अजीम बादशाह था वो हिरकल यूरोपी का जो हिस्सा है ऊपर तुर्की से ऊपर तकरीबन पूरा इलाका उसी का अल्लाह के रसूल ने उसको ख़त भेजा एक सहाबी हैं दहिया इब्न ख़लीफ़ा अलकलबी रज़ी लन खिलाफत दौरे मुआविया में मुहाविया अब नबी सफियान रजील् की दौर हुकूमत में उसका उन उनका इंतकाल हुआ सहाबी का सुना सुना सोनाबी दाऊद में इनकी रिवायत है कतबी सत्म में इसी और जगह कोई रिवायत नहीं इनकी कतबी सत्मा में तो दिया रजील् को अल्लाह के रसूल ने खत दे करके भेजा दहिया इब्न खलीफा अलबी रजी अल्लाह के रसूल का ख़त लेकर के गए बसरा एक इलाका है ध्यान दीजिएगा एक इलाका है बसरा जो इराक़ में आता है और इराक के जुनूब में आता है कुवैत के सरे पर कुवैत जो इलाका मुल्क है ना आज बिल्कुल इसके ऊपर आता है ऐसा बसरा मैं कह रहा हूँ बसरा बापर जम्मा ये बसरा मुल शाम की सरहद है सीरिया और बसरा इस तरफ आता है ये बसरा है मदीने से बसरा तक वत ले कर के गए बसरा के गवर्नर को खत दिया उन्होंने कि उस खत को बादशाह तक पहुंचा दे हिरकल तक ये बात जहन में आपकी अल्लाह के रसूल रसोल खैबर की तरफ गए हैं अभी ये अरब आपके जेर नगी नहीं आया है खत दे करके भेजे अल्लाह के रसूल अल्ला रसोस और खत बसरा तक चला गया है इस बात को जहन में रखने के बाद एक और मैं बात आपको बताता हूँ उस दौर में दुनिया भर की दो बड़ी बड़ी ताकतें थीं एक रोम की एक ईरान की ईरान फारस और इस तरफ जो मिस्र है मिस्र के ऊपर का हिस्सा समंदर समंदर से निकला हुआ ऊपर का हिस्सा वो पूरा जो है मतलब रोम की हुकूमत थी वो तो वहाँ पर हरकल की हुकूमत थी दोनों के दरमियान ज़बरदस्त लड़ाई हुई और दुनिया की दो सुपर पावर ताक़त थी रोम ने शिकस्त दे दिया उसको ये मैं आपको किस्सा सुना रहा हूँ इससे मेरे मौजूद से बहुत ताल्लुक़ है इस ध्यान से सुनिएगा रोम ने शिकस्त दे दी किसको ईरान को फारस को अब गोया कि ये दुनिया भर की ये तनह अकेली हुकूमत है जिसका पूरी दुनिया पर राज है सब पर इसी का दबदबा है इसी की हैबत है इसी की हशमत है समझिए आप इस बात को ये जो लड़ाई हुई थी रोम और ईरान की ये सीरिया जो आज सीरिया नाम है उसका मुल्क शाम कदीम मुल्क शाम उसका एक बहुत बड़ा इलाका है जिसका नाम है अल अलहिम्स हम्स उसका इलाका है मुल्क शाम के जुनूब में आता है वो अभी भी वो हिम्स मौजूद है उस उसी नाम से वहाँ पर लड़ाई हुई थी जब रोम को फतह हासिल हो चुकी तो ये जो बादशाह था हिरकल हिरकल वहाँ के बादशाहों का जैसे हम कहते हैं ना सरनेम यूं समझ लीजिए तो ये जो अलामती नाम था उनका हिरकल जब उसको फतह मिल चुकी तो हिम्स से बैतुलमकद मस्जिद अकसा तक वो पैदल चल के आया हो इसलिए आया ताकि अल्लाह तला का शुक्र अदा कर सके देखो अल्लाह रब्बुल रब्लि ने किस तरह से तरतीब अल्लाह ने क़ायम की है बादशाह वहाँ पर पहुँचा और अल्लाह के रसूल खैबर में पहुँचे हुए हैं यह बादशाह हिम से चलता हुआ फ़तह के बाद बेतुलमकद आया अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए मजदि अक्सा में तो उसको वो खत पहुँचा अल्लाह के रसूल का अल्लाह के रसूल का खत पहुँचा उसको अरबी ज़ुबान नहीं आती थी महज ये कि जो मदीने से खत आया है और ये अपने आप को अल्लाह के नबी कहते हैं ये उनका ख़त है ये कब कपा गया ही। ये एक मस्जिद है मैं और आप मुसलमान हैं यहाँ बैठ कर के मैं कोई कहानी और किस्सा और मतदादात से जुड़ी कोई बात नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको कि मैं और आप अपनी अपनी पीठ थपक थपक लें कि अल्लाह के रसल का ख़त गया तो वो डर गया घबरा गया जैसे कहानियाँ होती ना अपने अपने बादशाहों की तारीफ़ में नहीं ये मोजी बात बता रहा हूँ मैं आपको सुबहानल्लाज़ीम अल्लाह अल्लाह के रसूल का ख़त गया तो उसको अरबी ज़ुबान नहीं आती थी अरबी ज़ुबान से वाकिफ नहीं था वो बादशाह डर गया खूब डरा खूब डरा आप गौर कीजिए अल्लाह जज़ाय ख़ैरद इमाम इमामुमुहदसिन मोहम्मद इबन इसमा अबू आब्दिल्लाबुखारी को रहमा अल्लाह बेहतरीन बदला दे क्या फ़िक्र है आपकी इमाम बुखारी रहा ने उनकी जो सही है उसमें एक किताब है किताब जिहाद, किताबुल किताबल जिहादी वसीयर सही बुखारी में उसमें आप इमाम बुखारी ने एक बाब क़ायम किया और बाब में अल्लाह के रसूल की हदीस दाखिल की कि बाब कौली नबी सल्लल्लाहु वसल्लम नसर तो बिरुलरबी मसीरत शाहरा अल्लाह के रसूल की जो अल्लाह के रसूल के जो मोजिजात हैं अपनी जगह पर साथ में पांच ख़साइश ऐसे हैं कोई और नबी उसमें शरीक नहीं है उसमें से एक ये भी कि एक माह की एक महीने की फस, मसाफत पर तो अल्लाह के रसूल का दुश्मन उतनी दूरी पर है कि एक महीने की मसाफत मतलब वक्त लगेगा तय करने के लिए उसके दिल में अल्लाह ने अल्लाह ताला का अल्लाह के रसूल का रोब डाल दिया है आपका खौफ आपके दहशत डाल दी है आपका रोब डाल दिया है समझ रहे इस बात को मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ अल्लाह के रसूल वसल्लम की हदीस इमाम बुखारी ने बाप में क़ायम किया और मारूफ हदीस हदीस अबी हुररा जो सही बुखारी सही मुस्लिम में है वो हदीस दाखिल की उसमें कि अल्लाह के उसुल तो ने कहा कि अवती तो खमसन मुझे पाँच चीज़ें दी गई ना उसमें से एक नुरत ब्रब यानी एक माह की मसाफत पर दुश्मन है तभी से उसके दिल में मेरा डर अल्लाह ने डाल दिया दिलचस्प बात यह है कि इस बाप के तहत इमाम बुखारी ने एक तो यह हदीस लेकर के आए अमूम नुरत बिरब मसीरत शहरिन और फिर फ़ौर हदीस हिरक में लेकर के आए बताने के लिए कि उसके दिल में कैसे खौफ आया देखो सुबहानल्ला हदीस हिरकल बहुत तवील हदीस है उसे निहायत मुख्तर करके इमाम बुखारी अपनी आदत अपनी आदत इमाम बुखारी की आपका मनहज है एक वो चार सत्रों पर मुश्तमिल उस हदीस को लेकर के आए उसके दिल में जो खौफ पैदा हुआ वो बताने के लिए समझ रहे इस बात को आप सुबहानल्लाजीम अल्लाह के रसूल का जब खत पहुँचा तो उसको अरबी जुबान तो नहीं आती थी और एक ममलूख नहीं है वो मलिक है वो और दुनियावी एतबार से पूरी दुनिया पर फ़िलहाल का उसके लिए एक राज है ज़ाहरी इसबाब के तहत और ईरान को अभी अभी उसने शिकस्त दी है तो कितना जुनून रहा होगा उसे फ़तह का कितना खुर्रा रहा होगा उसको और अल्लाह के रसूल अभी अभी सिर्फ हदेबिया में सुलह करके फतह हासिल करके नहीं सुलह करके आप खैबर की तरफ निकले हैं अभी आपका कोई खास मामला नहीं रहा है आपके इस ख़त ने इतना इतना हिला के रख दिया उसको अल्लाह अकबर कबीरा गौर कर रहे हैं आप इस बात को एक एक फ़ाते को और दुनिया के सबसे अजीम बादशाह की मैं बात कर रहा हूँ आपको अजीम रूम एक और गौर बात काबिल गौर बात अब बादशाह के पास जब खत्म पहुंचा तो उसको तो अरबी जुबान नहीं आती थी ना उसने फ़ौर अपने वजरा से कहा कि हमारे आस पास जो भी मिल जाए जिनको अरबी ज़ुबान आती हो हमारे दरबार में पेश करो जो भी मिल जाए अब तलाश में निकले इसके कारिंदे कि अरबी ज़ुबान जानने वाले कौन हैं अब काबिल गौर बात यहाँ एक ये भी है कि जब हदेबिया में सुलह हुई ना छः हिजरी को सुलह होने के बाद अबू सुफियान जो मक्के की हालत बहुत ख़राब हो गई थी क्यों इसलिए कि जब अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने को आए तो आपको याद होना चाहिए और किसी के दे दे इल्मे बात नहीं है तो एक मतलब मुराजा कर लें कोई भी सीरत की किताब लेकर के छोटी मोटी बदर के मौके पर अबू अबूसुफियान के काफ़िले को हासिल करना चाहा ना लेकिन वो बच बचाते निकल गए लेकिन बदर में ओहद में ये सब इनको जो शिकस्त हुई है इन चार पाँच साल के अंदर मक्के का कोई भी काफिला तजारत के लिए मुल्क शाम नहीं जा सका मदीने में मुसलमान होने की वजह से रास्ते इनके लिए रोक रोक रखे थे इनको जिसकी वजह से इतनी कमर टूट गई थी इनकी इबन हजर रहम् ने फतहुल बारी में हदीस व हरकल की शरह करते हुए मोहम्मद इसहाक इसहाम्ल्ला की अलमगाज़ी के हवाले से लिखा है चूँकि उनकी किताब असल हमारे पास नहीं है उस किताब के हवाले से अबू सुफियान का कौन नकल किया है जो वो इमाम जहरी रहा के हवाले से लिखे हैं कि अबू सुफियान ने कहा कि वकीनबू कद हसबतना कि हमारे और मोहम्मद के दरमियान अलैहि वसल्लम जो जंगें हुई ना बदर उहद खंदक वगैरह इन जंगों की वजह से हमारा काफिला कभी का गया गया ही नहीं बल्कि शाम की वजह से वक़ाना हर बसबतना यानी हमारे दरमियान इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हमको खल्लाश करके रख दिया गया है हम मुफलिस होकर के रह गए ऐसे मालूम होता कि कैद साली है मुआशी से कमर टूट गई हमारी अब हदेबिया में सलाह होने के बाद अबू सफियान ने एक काफिला तैयार करके तीस लोगों पर मुश्तमिल कर निकले मुल्क शाम तजारत के लिए हदेबिया के बाद अल्लाह के रसूल रसोलसम खैबर की तरफ निकले और ये काफ़िला लेकर मुल्क शाम गए अबू सुफियान तजारत के लिए क्यों मक्का मान पड़ चुका था तजारत में समझे इस बात को आप जब अबू सुफियान तजारत के लिए एक काफ़िला लेकर के निकले तीस लोगों का और मदीने से होते हुए गए मदीने के अंदर से नहीं साहली इलाके से और कोई पकड़ दकड़ की बात नहीं थी सुना हो चुकी है अब आराम से निकले और फ़लस्तन गए एक वहीं पर थे गजा एक इलाका है फ़लस्तीन में जो चंद साल पहले काफ़ी हादसा का शिकार हो गया था अभी भी असरात हैं उसके जो मकबूज़ा इसराइल में फलस्तीन में है वो इसराइल में अभी फ़िलहाल साहली इलाका है वहाँ पर ये तजारत में मशगूल थे अबू सफीन और उनके साथ तीस लोग अचानक देखते हैं कि कुछ लोग वज़ारा जो जो सिपाही हैं वो आए आकर के इन, इनको घेर लिया गया इनको अबू सफिया को और तीस लोगों को जब इनको मालूम हुआ कि ये लोग तिहामा के लोग हैं तिहामा से मुराद यही मक्के के लोग हैं इनको गिरफ़्तार कर लिया गया और कहा कि आपको बादशाह के पास जाना है बादशाह की बेचैनी देखो उस खत को पढ़ने के लिए फेंक भी सकता था ना वो किसी का ख़त आया होगा लेकिन बेचैनी देखो इतने दिन हो जा रहे हैं लेकिन उसको इतमान नहीं है क्या खत में क्या है ये तीस लोगों को पकड़ कर लाया गया दरबार में बादशाह ने कहा कि जिनका खत मेरे पास आया है सारी तफसी बताने के बाद तुम में से कौन सबसे करीबी हैं नसब के अतबार से वो मेरे पास आ जाएँ उनसे मुझे गुफ्तगु करनी है और वो आ गए वो अब अबू सुफियान से इन्होंने कई सवाल किए चुभते हुए सवालत नाजुक तरीन सवालत तलब बात है अल्लाह के रसूल कहाँ हैं फ़िलहाल सल्लल्लाहु अलैहि वम खैबर में अभी खैबर फता नहीं हुआ है जबकि यहाँ पर अबू सुफियान एक बाद, आ, 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 हिरकल एक बादशाह है और एक अजीम बादशाह है अजीम उरूम दुनिया की एक बड़ी ताकत अबू सुफियान जो बरसा बरस अल्लाह के रसूल के मुकाबिल रहे हैं सल्हम कोट कोट के भरी है दुश्मनी खूब दर्द है इनको अपनी कौम से मुतक अल्लाह के रसूल से जो इनके मामलत हुए हैं सल्लम इसके बावजूद भी गोया के एक मकालमा हो रहा है अल्लाह के रसूल सबू सफीन के दरमियान बातचीत हो रही है मौजू है अल्लाह के रसूल की सीरत मौजू है आप पर ईमान लाने वालों का किरदार क्या है मौजू है इस मजहब की तालीमत क्या है मौजू सब यही एक भी मुसलमान नहीं है वहां पर सब कुफवार साइल भी मुजीब भी हाजरीन भी मुशारकिन भी वजारा भी सब के सब कोई मुसलमान नहीं है और समझ रहे हैं इस बात को सदाकत देखिए इस्लाम की सुबह अजीम जबकि रसूल अभी कहां पर है खैबर में है हबशा से साहबा की एक जमात निकली हुई है मदीने को आने के लिए कई लोग आप गौर कर रहे हैं इस बात को अभी हालात इतने संगीन हैं कि जो है वहाँ पर जो मुकालमा हो रहा है किस कदर अजीब व गरीब बातें हो रही हैं अल्लाह के रसूल से मुतालिक। आप सलत से मुतालिक, मुतद सवालत किए अभी जो श... सलाम की सीरत को जो 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 चालीस जो, जो, जो साल दौर हेले का उसको पढ़ने की कितनी अहमियत है मैंने बताया था आपको हरत हिरकल से दो मिसालें देकर के एक और मिसाल मैं आपको बताता हूँ आज अबू सुफियान तकरीबन बीस पर तीन साल के इसमें कितने तकरीबन तेवीस सवाल उसमें से अबू सफियान ने बादशाह हिरकन ने अबू सफिया से जो सवाल किए हैं एक सवाल वो भी है जो आज हमारे मौजू से मुतल है हमारा मौजू क्या है आज का इस्लाम की नशर वशात और, और लोगों के कबूल इस्लाम का एक अजीम सबब इस्लाम पर मुसलमानों का सब्र सबात मुसलमानों के सबातकदमी बादशाह ने जो कई सवाल किया अबूसफिया से एक सवाल यह भी किया फहल तद्द <यर्तदु> अहद <आहदु> मिन <मिन्हुं> फहल एर तद्द <यर्तदु> अहद <आहदु> मिन हम सख्त तन लिदीन ही <दाएद खुला फी> कि इनमें से कोई भी शख्स यानी मोहम्मद पर जो लोग ईमान लाए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए हैं उनमें से कोई एक फ़र्द भी ऐसा है जो इस्लाम लाने के बाद बाद आयत खलफी इस्लाम में दाखिल हो जाने के बाद फहल तद अदिन सख्ता दीन ही दीन यानी इस्लाम से बेजार होकर ऐसा नहीं कि भाई ऐसे निकल गए इस्लाम से बेजार होकर ये मुझे मजहब पसंद नहीं ये इस्लाम मुझे पसंद नहीं ये क्या ऐसा मज़हब है ये सख्त तान सख्त ताके मने आते हैं सिर्फ़ नाराज़ होना नहीं यानी किसी चीज़ को मतलब आ, ए, एक होता ना कि ए, एक बड़ा शख्स छोटे पे कैसे नाराज़ होता है इसीलिए मतलब जैसे कि अपने इखियारात के अतबार से ये मुझे नहीं चाहिए ये दीन फहलियर तद्दाहमिन हूँ इनमें से कोई मर्तद भी हुआ है इस्लाम से निकला है सख्त वतन लीदी नहीं बाद आइयत खुलाफी इस्लाम तो कबूल कर लिए लेकिन इस्लाम से बेजार होकर नफ़रत करके कोई इस्लाम से दूर भी हुआ है क्या अबू अबूसफिया ने क्या जवाब दिया अबू सफिया ने क्या जवाब दिया कहा कि ला क्या जवाब दिया अबू अबूसफिया ने लेकिन ये छोटी बात नहीं ये छोटी बात नहीं ये ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये सोते हुए शख्स को जगा देने वाली बात है ये आँखें खोल देने वाली बात है दुनिया भर के लोगों पर हुज्जत कायम कर देने वाली बात है जवाब देने वाले अबू सफयान है जिन्होंने कहा कि अल्लाह जानते हैं अबू सफयान कौन है जिस दिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं मैं अल्लाह का रसूल हूं उस दिन से वो अल्लाह के रसूल को देख रहे हैं उससे पहले भी देखे हैं अल्लाह के रसूल से उम्र में बड़े हैं आप उम्र के अतबार से लेकिन लेकिन जिस दिन अल्लाह के रसूल ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ वो चालीस साल भी देखे अल्लाह के रसूल के वो और ये दिन भी देखा उन्होंने जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ तब से देखते आ रहे हैं सबसे पहले आप पर किसने इस्लाम कबूल किया बाद में कौन किया उसके बाद कौन किया उसके बाद कौन किया उसके बाद कौन किया उनके घर में कौन कौन इस्लाम कबूल किया उनके खानदान कबीले में कौन किए बनो आब्दुशम से कौन कौन किए सब 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 खबीर 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 इंसान हैं सब के बारे में मालूम है आपने ला कह दिया इतना आसान समझते हैं हम लोग जानते हैं मक्के के कितने साल तेरह साल ये मदीने का मदीने में जाने के बाद सातवां साल है तेरह और सात उन्नीस साल में एक आदमी भी नहीं मिल सका अबू सुफियान को जो इस्लाम से निकला हुआ हो उन्नीस साल तीन दिन का कोर्स की बात नहीं कर रहा मैं आपको तीन दिन का दौरा जो बोलते हैं ना ऐसा नहीं भैया मामूली बात है उन्नीस साल हम एक मदरसे में पढ़ते हैं आठ साल कितने साहब साल का अंदाजा इंसान की उम्र का कितना बड़ा हिस्सा है उन्नीस साल में बार बार बता रहा हूं आपको उन्नीस साल उन्नीस साल की मुद्दत में जो ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत दूर रहे हों तेरह साल मक्का कितना रहा है मस्जिद हरम जो आ जाए वो मक्का है किसी दौर का यहां से वहां देखेंगे तो पूरा मक्का नजर आ जाता था उस दौर में तेरह साल में और मदीने के सात साल हो गए हैं कई लोग मक्के में भी मौजूद थे उस वक्त मुसलमान और मदीने से मुतालिक में उन्हें एक ख़बर नहीं मिल सकी उनको उन्नीस साल में वरना अबू सफियान झूठ 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 कहा क्या अबू सफियान को डरने की क्या जरूरत है हालांकि बादशाह हिरकल है उसको कह सकते थे उन्नीस साल के दुश्मनी निकाल करके हाँ वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं है, तुम उनको ख़त्म नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए भड़का सकते थे ना भरकला सकते थे ना सच बोलने की क्या जरूरत कैसे भी करके कर सकते थे ना छोटी मोटी बात नहीं है बहुत बड़ी बात है ये अबू सुफियान ने उन्नीस साल देखा मर्दों को देखा औरतों को देखा अपने दीन की हिफाजत के लिए अपने अपनी जान से ज्यादा अजीज वालदन को बीवी को शोहर को बच्चों को अपने मकान को इलाके को छोड़ करके साहबा हफ्शा गए देखा था ना अबू सुफियान ने दूसरी मरतबा भी गए वो भी देखा था ना किस तरह से बिलाल को सताया गया किस तरह से सुमैया को उनके घराने को रज़ी अल्लाह उन्होंने सताया गया सब 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 देखा नहीं ना इन्होंने तीन साल बैकाट किया गया था ना शेब अब तालीब में क्या अबू अबूसुफियान उससे गाफिल थे बेखबर थे अबू सुफियान फिर मदीने के भी सात साल इनके सामने मौजूद हैं इन सब चीज़ों से सब खबीर खबीर आदमी सब कुछ होने के बाद कहा कि ला नहीं एक आदमी भी नहीं एक मिसाल नहीं मिल सके अबू सुफियान को अल्लाह अकबर मुसलमानों की सबात ख़त देख रहे हैं आप और और काबिल गौर बात यह है कि अबू सुफियान अकेले नहीं थे उनके साथ मक्के के तीस लोग भी थे किसी एक ने भी नहीं कहा कि अबू सुफियान ने झूठ कहा अबू सुफियान ने गलत कहा, काबिल गौर बात ओके okay, कौन बात बताऊँ मैं आपको मैं तकरीबन दो तीन साल पहले उमिन उम्म हबीबा रजील की सरत पर मैंने एक दर्ज दिया था उसमें मैं एक शख़ ये भी बयान किया था एक जुज़् कि उमिन अम्मु उम हबीबा रजी के जो पहले शोहर हैं वैदुल जहश जो उम्म हबीबा रजील के साथ हिजरत करके हबशा गए थे सबकिन अवलिन में से ही हो और और हबशा के में वो वफाफ़ भी पाए कुछ ऐसी रिवायात मिलती हैं जिसमें यह बात मिलती है कि वो मर्त हो गए थे नसरानी बन गए थे वह नसरानी हो गए थे मैंने अल्लाह के फजल करम से बहुत तफसल से मैंने शेख अब्दुल्ल ओशन की किताब माशा माशाह वालमयूफिस नबविया के हवाले से मैंने आपके सामने इस बात को रखा था कि ये एक मन घड़त बात है वो मर्त कतान नहीं हुए वो सहाबी हैं वो इस्लाम पर उनकी मौत हुई है इस्लाम पर वफात वाए वो वफात वाए वो रज़ी लन तफसील यूट्यूब पर मौजूद है और उसको अलग से कटिंग भी की गई है सुन सकते हैं मुझे यहाँ क्या बताना है वो सनतन भी ज़ैफ़ रिवायत है वो मतन के अतबार से भी अबू सुफियान से जब पूछा गया फहलियर तद अदिन सख्त ही बात खुलाफ़ी अबू सुफियन तो कह सकते थे ना कि कौन हुए नहीं हुए मुझे तो पता नहीं है मेरे घर में हुआ ये हादिसा कह सकते थे ना वो अरे मेरे मेरे दामाद का क़िस्सा है मेरा दामाद मुड़ता निकल चुका है वहाँ से नसना बना मेरा दामाद मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो वो इस्लाम पर नहीं मेरा और एक जिंदा मिसाल मैं आपको मेरे घर की देता हूँ किस किस के घर में क्या क्या हुआ मुझे क्या मालूम बोल सकते थे ना कहा कि ला कोई मिसाल ही नहीं अपने घर से मुत होने तो और कौन खबीर हैं बताइए आप कहा कि कोई नहीं ये एक बहुत बहुत अजीम शहादत है एक दिलचस्प और एक हैरान कन बात ये भी है कि अबू सुफियान से उस बादशाह हिरकल ने फौरन एक सवाल किया कि फहल यख क्या ये धोखा भी दे देते हैं वादा करके मुकर जाते हैं अबू सफियन के सामने फिर भी उन्नीस साल हैं उन्नीस साल की तारीख सामने रखकर के कहा कि ला कभी ऐसा नहीं हुआ है लेकिन अबू सफियन ने एक एक जुमला जरूर रखा वहां पे, जिससे उनके दिल को थोड़ी सी राहत मिली उन्होंने कहा कि व नाह मुद्दतिन ला नदरी मा हुआ कि अभी अभी हमारीबिया में सुलह हुई है एक साल पहले अब हमको नहीं मालूम है कि वो आगे क्या करेंगे पता नहीं वो उस पर कायम रहते कि नहीं कायम रहते अहले मक्का दो साल भी कायम नहीं रह सके दस साल का था ना माहा वो माहा दस साल का था दो साल भी कायम नहीं रह सके नहीं इसीलिए तो फतेह मक्का वाकई हुई इसीलिए तो मक्का जाना पड़ा फतेह मक्का तो उसी सूरत में उसी नतीजे में तो वाकई हुई ना कि इन्होंने गदर किया धोखा किया इन्होंने इसीलिए तो अल्लाह के रसूल ने राज में रखकर के पूरी साहबा की जमात को लेकर के निकले ना मक्का फता करने के लिए है कि नहीं काबिल और बात ही नहीं है लेकिन जब अबू सुफियान से सवाल किया फहल फाह कहा कि अब तक तो नहीं की कहा कि लेकिन एक जुमला जरूर कह दिया उन्होंने कहा कि मुद्दतिन ला निन ली माह एक एक सुलह हो चुकी है एक दस साल की मुद्दत के लिए अब पता नहीं है आगे क्या करेंगे हो सकता है धोखा दे दे ये कहना मकसूद है इनको और जानते हैं अबू सुफियान ने क्या कहा, कहा? अबू सुफियान ने कहा वलम तुम किन्नी कलीमतहान गई हिल कलीमा यानी जितनी भी जितनी भी बातें जितने भी सवाल मेरे सामने आए हैं बस एक एक जहर आलू जुमला यही कहने की मुझे ज़रूरत कर सका इसी की मुझे कुछ गुंजाइश मिल सकी वलम तुम किन्नी कलीम तुन किसी और कलीमे को मुझे मौका नहीं मिला कि कुछ कह सको मोहम्मद के खिलाफ ये जो सुलह हुई है ना बस उस ताल्ल्लुक़ से एक इश्काल में उसके दिल में डाल सका आगे क्या होगा नहीं मालूम हो सकता बदल जाए ये ये कह सका मैं आगे की बात है ना वो कुछ भी हो सकता है पिछली तारीख इतनी साफ़ सुथरी है कि उसके बारे में क्या बताऊं वलम तुम किन्नी कलीमत खिलूफ़ी हाशन गई कलीमा बस यही कह सका मैं मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये बात ये बात क्यों बता रहा हूँ मैं आपको अबू सफियान जब इसमें इतनी गुंजाइश निकाल सकते हैं तो फहल तद अहद मिन हम सख्त तन ले नहीं बद खुलाफी इसमें अगर, अगर अबैदुल्ला बिन जहैश मुर्तद हुए होते तो तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत सराहतन नाम ले लेते यहाँ जैसा तकल्लुफ़ कर रहे हैं यहाँ इतनी गुंजाइश निकालनी पड़ रही ना गुंजाइश की क्या बात है वहाँ तो उनके 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 खाते में चीज़ है वो उनकी दलील है वो काबिल अगर बात ही नहीं सुबह अल्लाह कितनी बड़ी बात है तो कहने का मकसद ये है कि सहाबा की सबात कदमी को कैसे बयान किया गया देखो जबकि अल्लाह के रसूल की अभी जजीरतलरब में आ, 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 मतलब ने, ने, आपकी रियासत कायम नहीं हुई जजीरतलरब में और वह हिरकल है आलमी सतह का नंबर एक बादशाह उसके सामने यह सूरत हाल कोई मुसलमान नहीं वो कुछ भी कर सकता है फौज को वहीं से वहीं फेर सकता है लेकिन सुबहानलाजीम अबू सुफियान ने कितनी सदाकत से काम लिया देखिए और बात सिर्फ अबू सुफियान बात मां अबू सुफियान की सिर्फ तारीफ की नहीं जितनी अबू भाई अबू सुफियान की तारीफ की बात क्यों है बोलिए अबू सुफियान की सिर्फ इतनी तारीफ है वहां पर कि उन्होंने सच कहा असल तारीफ किसकी है असल तारीफ किसकी है आप सुन के साहबा की एक मिसाल नहीं मिल सकी इनको उन्नीस साल में एक मिसाल नहीं मिल सकी तारीफ किसकी मतलब अबू सुफियान ने कमाल ये किया बेज़न ला सच कहा सच क्यों कहा जो था वो तो सुनाया ना उन्होंने तो असल तारीफ किसकी की रसूल की अल्लाह ने कहा उन्मोन हक का अल्लाह अकबर अब मैं एक आखिरी बात बताता हूँ देखें आप सवा से मतलब कितनी अजीब वरीब बात है सवान अल्लाह मैं एक गौर किया है इसी कुरान मजीद में अल्लाह ताली के तहफे उसके फजल करम से कि सहाबा का जो जिक्र है कुरान मजीद में कुरान मजीद की वो सूरतें भी हैं जो मक्की सूरतें हैं वो सूरतें हैं जो मदनी सूरतें भी हैं मैं मैं अल्लाह की तौफीक से अपने मुताले के नतीजे में ये बात कह रहा हूँ आपको बेजी ला ही ताहला। सही है तो ये अल्लाह की तरफ से है गलत है तो ये मेरी और जो शैतान की तरफ से है मैंने इस बात पर गौर किया कि सहाबा का ज़िक्र है जो मक्की सूरतों में भी मदनी सूरतों में भी जहाँ भी इनका जिक्र आया है अल्लाह ने इनको अल्मीन अल्मीन अल्मिनमन कहा है यानी मतलब ये कि अल्लाह के रसूल की हिन हयात ये तेईस साल थे तेईस साल की पूरी मुद्दत में किसी एक पेड में भी एक हिस्से में भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ईमान अब इनसे फौत हो चुका है मजीदी तरबियत की जरूरत है अब आया है ईमान ऐसा नहीं यानी पूरे तेईस साल दौर में अल्लाह ने जब भी इनका इनके इनके तला से गुफ्तगु की है इनको अम्मिन ही कहा है यानी ईमान इन में रहा है मुशमिल रहा है समझ रहे हैं आप सबात ख़ में इन रही है समझ रहे इस बुख को आप मसलन आप देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह तो शुअरा में वफ़ जना हक लिमा तबाह हिन यानी अल्लाह ने कहा कि ये जो मोमिन हैं मिन बयान के लिए तब इसके बयान बयान के लिए बयान या कि ममिन जो आपके साथ हैं आपकी इतबा करते हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं आप उनके साथ नरम गोशा इख्तियार करें मेहरबानी का मामला रखें लेकिन गोया कि इनको अल्लाह रबूमी ने कहा वना हक लिमन तब हकमुमिन आप मदनी ज़िंदगी को ले लीजिए आप ये तो मक्की दौर की बात मैंने आपके सामने कही है मदनी ज़िंदगी की बात ले, ले लीजिए जब बद बद्र की मुनासबा से अल्लाह रबालमी ने अनफाल में फरमाया या फरमायाद नबी यू याद नबी अल्लाह हसबूकल्ला तबिन क्या कहते करीब यह अयुनबी हजबू व मनी तबाह हकम उम्मीन अल्लाह सुबहान तैयार ने क्या फ़रमायालम उमिन कहा इनको बदर के मौके पर अल्लाह सुबहान तै ने इन्हें क्या क्या खिताब किया इनको क्या क्या नाम दिया है इनको अल्मीन जब बात अहद की आई हम जानते हैं कि उहद में जिन जिन अब रसूल को आपलम ने तिर 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 अंदाजी के लिए एक उस पर जबल रुमा पर खड़ा किया था ना जबल रुमान कहा जाता है उसको लेकिन रुमा थे वो जहाँ तीर फेंका गया तो वहाँ जब अल्लाह के रसूल उन्हीं पचास तीर अंदाज़ साहबा को खड़ा किया गया चूक हो गई थी जरा सी और अच्छा ख़ासा मामला पेश आ गया लेकिन अल्लाह सुबहान ने जब अल्लाह के रसूल और साहबा सत्तर साहबा की शहादत के बाद मदीने को आए और पूरा दिरासा किया गया पेश किया गया सुर आल इमरान में अल्लाह ने क्या फ़रमाया वालत आफ़ाकुम वज على المؤمنين ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين وهذا كم قبر الله كان المؤمنين خندق يم قبر الله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا سخت ترين آزمائش سے دو ہونا پڑا ان کو لیکن اللہ نے کیا نام دیا؟ المؤمنون کہا رب العالمین हदे के मौके पर हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल वसल्लम ने जब, जब 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 उस्मान इब्न अफ़ान रजील् को अल्लाह के रसूल ने जब मक्के के अंदर भेजा तो जो आम हो चुकी थी ना कि आपको कतल किया जा चुका है अल्लाह के रसूल ने आनन फ़ानन बेतली अन सबसे बेतली अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ने।, अल्ला ने क्या फ़रमाया हदेबिया के मौके पर रसौतलफम लक़द रजी अल्लामिन मैफिकुबी लकतर उमिन ने क्या नाम दिया इनको अल्मिन नाम दिया रबालमिन को मक्का फ़तः हुआ बग़ैर किसी खून खराबे के बग़ैर किसी लड़ाई के लेकिन अचानक आपको ख़बरें मिलती हैं कि हुनैन बनो हवाजन हुनैन के इलाक़े से आपकी तरफ हमला करने वाले हैं लोग आप निकल कर के गए मुसलमान जो फ़तेह मक् में एक बड़ी तादाद मुसलमान हुई थी कुछ लोगों के अंदर एक तरह से घुर्रा आ गया था जो नए नए लोग थे अभी ईमान नहीं हुआ था कुछ लोगों में ये गुर्र आ गया था कि आज हम बड़ी तादाद में हैं बहरहाल फिर भी फ़तह नसीब हुई अल्लाह ने क्या फ़रमाया हुनैन के मौके पर सरतो तोबा मेंसूल ही जुनूद ने क्या नाम दिया इनको सरतुल तौबा में यहाँ पर हुनैन के मौके परमोमिन कहा तबू के मौके पर अल्लाह ने क्या कहा अल्लाह ने क्या नाम दिया इनको थोड़ा तो तौबा के आखिर में क्या नाम दिया इनको अल-मुमिनीन यानी इस्तेमीनार देख रहे हैं आप यानी लफ्ज ईमान अव्वल दिन से लेकर के आखिर दिन तक इसीलिए सुर अनफ़ाल के आखिर में आखिरी आयत से पहली वाली आयत करीमा अल्लाह ने फरमाया वलीन आमनु हाजरू व जय हद फ़ी सब्लह एम फिर उसके बाद वल्लिन आ कहा कहालाकमी हक्का ये ये किसने कहा सुबहान अल्लाज़ीम यानी अल्लाह ने महाजरीन को भी अनसार को भी एक लफ्ज़ में यह रब्बुलमी ने कह दिया वक़ाबिल्ला ही शहीदा अभी ज़रूरत ही नहीं है अब किसी की गवाही की अवलम यकफी अला बब्बिक शहीद क्या ये काफ़ी नहीं कि अल्लाह ताली शाहिद है इस बात की अब किसकी शहादत की जरूरत है बताइए गौरतलब बात है अल्लाह ने कहा उलाक उमीन तो सहाबा की सबात कदमी भी यानी एक अजीम सबब बनी मौसर सबब जो है बनी उनके सबातमी लोगों के इस्लाम कबूल करने में समझे इस बात को तो ये ये पेश करने की वजह क्या है कि जिस तरह से हम किसी को दावत देते हैं तबलीग करते हैं इस्लाम समझाते हैं सोशल मीडिया से तहरीर से लिख करके मिल करके इसमें अल्लाह के दीन पर हमारी अपनी सबात क़दमी भी बेज़न ला उनके इस्लाम कबूल करने का एक ज़रिया बन सकती है अल्लाह समझे इस बात को ये 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 मकसूद है इस, इस दर से मुतल अल्लाह ताल से दुआ है कि अल्लाह ताल हमी अल्लाह के दीन को कबूल करने राज़ी होने उस पर सबात कदमी का मुजहरा करने के अलादत दे अल्लाह सुबहान वाली हमारी वजह से बेजन लाला लोगों को इस्लाम कबूल करने का अल्लाह जरिया बनाए سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك